hello guys and welcome to the new vlog. We have just reached Noida Expressway, Agra Noida Expressway. हम टप्पल से चढ़े हैं यहाँ पे. अभी बज रहा है कितना? अभी बज रहा है 5:55 AM. तो हम लोग बहुत टाइम पे हैं. मतलब बहुत टाइम पे तो नहीं है. हमारा प्लान था 4 बजे निकलने का, लेकिन हम 5 बजे निकले घर से और 5:55 पे इधर आ गए. तो भाई अब क्या सीन है? सीन तो ये है कि अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं नोएडा मिल्की के पास. उसने जो मेरी बैटरीज खरीद के रखी थी उससे वो बैटरीज कलेक्ट करेंगे और फिर बताता हूँ और फिर आगे क्या है. पहले तो आप लोग को ये बता दूँ कि ऑगी की याद हमें कल रात उसको ड्रॉप करने के बाद बहुत ज़्यादा आई. हम दोनों थोड़ा थोड़ा उसके लिए मन ही मन रोए भी कि यार, मतलब ही इज़ आर फैमिली. फैमिली का कोई भी एक बंदा है आपसे थोड़ा सा दूर चला गया है, भले ही आपको पता है 4 दिन 3 दिन बाद 5 दिन बाद वापस उससे मुलाकात होगी, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं लगता है, फील होता है, यू फील बैड. और वो है तो बच्चा ही यार, सीरियसली. कल हमें ना रात में जब हम बैठे थे बात हो रही थी तो यही फील हुआ कि यार वी आर लाइक हिज पेरेंट्स. सीरियसली वी आर हिज पेरेंट्स. अभी भी रास्ते में भी बात हो रही थी, बट ठीक है, हमें पता है वो मम्मी पापा के साथ है अलीगढ़ में, अच्छे से रहेगा, मज़े से रहेगा, इन्जॉय करेगा, अपनी वेकेशंस भी इन्जॉय करेगा और हम लोग अपनी वेकेशन इन्जॉय करेंगे. अरे अम्मा, ये डी ब्लॉक कहाँ पड़ेगा? डी ब्लॉक, डी फॉर दिल्ली. सीधा. एक्सक्यूज मी भैया, ये डी ब्लॉक किस तरफ पड़ेगा? डी. आगे से लेफ्ट हो जाइए, एकदम सामने डी. ओके, थैंक यू भैया. D84. अरे यार सब लोग घुमा रहे हैं हमें. पहले तो गूगल मैप ने घुमाया हमें. हाय. बात ये 82 इस तरफ था ना, हम इधर से गए. हमने इधर के 3 चक्कर लगाए. हम लोगों ने दसियों लोगों से पूछ डाला, कोई इधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है, कोई उधर घुमा रहा है. A few inches later. Bye Milky. Thank you so much battery के लिए. Bye. तो that was. अरे दादा, अभी तो देखो दादा घुसेड़ देते. That was Milky. उसने बहुत बड़ा काम किया यार, batteries दिलवा दी हमें. तो अब हमारा कैमरा फिर से ज़िंदा हो गया. मैंने बैटरीज चार्ज में लगा दी है, टैंक बैग में आगे रख लिया है, मैप भी लगा दिया है. एंड नाउ वी आर हेडिंग टू ऋषिकेश. आई नो मैं ऋषिकेश गया था पिछले साल, लेकिन ठीक है यार, फिर से जा सकते हैं, ऐसा कुछ मना ही नहीं है. बिकॉज ऋषिकेश में यार इतना अच्छा है ना, तो दोबारा जाने का मन करता है. शिल्पी ने घुमा भी नहीं था, मैंने कहा चलो ऋषिकेश घुमाते हैं. अरे यार रेड लाइट हो गई. देखा दिल्ली वगैरह में आपका ये सब का इशू है. मुझे बाइक चलानी नहीं आ रही. कोई बात नहीं यार, हो सकता है ना आ रही हो. चलो अब रास्ते में निकलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा सा आगे. तो यस, वी आर ऑन मेरठ एक्सप्रेसवे, गाज़ियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे. और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो. रोड तो बहुत तगड़ी है, एक्सप्रेसवे है तो ऑब्वियसली बात है रोड तो बहुत तगड़ी है, लेकिन ट्रैफिक भी है. ज़्यादा टाइम अपने को लगेगा नहीं, मैप के अकॉर्डिंगली हम लोग 4.5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे वहाँ पे. अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 8:15. सही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्ली भी नहीं है, ओके है. अब देखो कितने ब्रेक्स लेते हैं रास्ते में. अभी तक तो कोई भी हमने एज सच ब्रेक नहीं लिया है खाने खूने का. थोड़े आगे जा करके तो लेना तो पड़ेगा यार, नाश्ते का कुछ तो देखना पड़ेगा. वैसे तो अपने साथ थोड़ा सा नाश्ता लेके चले आए हमने, जहाँ भूख लगेगी अगर तो साइड में रोक के शेड वगैरह में या कहीं पे. देखते हैं आगे कैसे क्या सीन रखना है हमने. यार ऐसा करते हैं कि कहीं कोई ढाबा ढूबा पड़ता है तो वहाँ रुक के कुछ नाश्ता करते हैं. बाइक भी सुबह से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर चला ली है, कुछ खाया पिया नहीं है और सुबह भी तो कुछ खास खा के आए नहीं थे. तो बस कोई ढाबा ढूबा देख के रुकते हैं, कुछ खाते हैं. भूख सी लग रही है. ये कुछ सही जगह सी लग रही है, लेकिन यहाँ पे यार गाड़ी खड़ी करने के लिए शेड नहीं है. देखते हैं क्या हो सकता है. ऑफिशियली पहला ब्रेक लिया अभी हमने, 180 किलोमीटर की राइड करी जब से सुबह से निकले हैं घर से. टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं. हम हैं मेरठ बाईपास पे और रुके हैं इधर
दिस इज जस्ट अ रेगुलर फैमिली ढाबा सॉर्ट ऑफ थिंग। ट्रैफिक मेरे पीछे बहुत ज़्यादा है, शोर हो रहा होगा तो शायद आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे आ रही होगी। अपना ब्रेकफास्ट हम लाए हैं लेकिन फिर भी चाय पियेंगे और 20-25 मिनट का आधी घंटे का ब्रेक लेंगे फिर आगे निकलेंगे। तो शिल्पी आर यू इंजॉइंग द राइड? देखो यहाँ पे कई बसेस भी रुकी हुई है, वो एक ट्रैवलर रुकी हुई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, सही जगह है। वी हैविंग सैंडविचेस जो हम घर से बना के लाए थे, मैगी विथ धूप वाला व्यू, ये है आज का अपना ब्रेकफास्ट। जल्दी जल्दी निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही है मैगी? सही है, टेस्ट किया तुमने? खाई नहीं अभी, खा के देखो कैसी है। सही है, ओके की रिपोर्ट है? ठीक ठीक है, चलो। तो बस अभी अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके निकले हम लोगों ने, यहाँ कंसिडरेबल अमाउंट का ब्रेक ले लिया यार, ऑलमोस्ट कितना मिनट, ऑलमोस्ट एक घंटे का ब्रेक। बाप रे बाप, धूप बहुत तेज़ हो रही है यार, सच बताऊँ तो निकलने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था थोड़ी देर और बैठ जाएँ लेकिन निकलना तो था ही क्योंकि पहुँचना भी है भाई। थोड़ा अपडेट फिर से दे देता हूँ आप लोगों को, हरिद्वार है 150 किलोमीटर्स, ऋषिकेश है 177, ठीक है नाइस। गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी। मौसम ठीक हो जा भाई, सूरज देवता थोड़ी देर कृपा कर दो यार हमारे ऊपर। देखो बाइक होने का कितना फ़ायदा, वो लोग लगे हैं लाइन में और हमारी कोई लाइन ही नहीं है, अपन जिधर खड़े हो जाते हैं लाइन उधर से शुरू होती है, कोई टोल नहीं देना। अभी फ़िलहाल अपन रुड़की से 30 किलोमीटर्स पहले हैं, बस जल्दबाजी में नहीं चल रहे हैं, एक बीच में छोटा सा डिटूर मारना पड़ेगा, हरिद्वार के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि आयुष के जीजा जी रहते हैं वहाँ पे। जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने खास मुझे इनवाइट किया कि जब इधर से निकलना तो हरिद्वार में अंदर हो लेना, हमारे घर खाना खा के तुम लोगों को आगे जाना है। तो भाई जाना तो डेफिनेटली बनता ही बनता है उनके घर पे, तो बस इधर से अब डायरेक्ट हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं, उनके घर जाएंगे, एक राउंड उनसे मिलेंगे, खाना वाना खाएंगे, बच्चे भी हैं उनके, दीदी भी हैं, मज़ा आएगा। बड़े दिनों बाद मैं तो दीदी और बच्चों से मिलूँगा, पहले तो कई बार मुलाकात हो चुकी है मेरी उनकी, बहुत बार हुई है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी बार हुई है। मतलब मेरा और आयुष का तो ऐसा है ना यार कि फैमिली वाला हिसाब किताब हो गया है, हम लोग फ्रेंड्स छोड़ करके फैमिली प्लस फ्रेंड्स हो गए हैं, या तो कह लो सिर्फ फैमिली हो गए हैं, ऐसा हिसाब किताब है मेरा और आयुष का तो। अब तो अपन पहुंच गए हैं रुड़की, प्लान में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन ये है कि रुड़की में जा रहा हूं मैं अपने बचपन के प्यार, बचपन के दोस्त सोहित से, सोहित से बात हो गई है, वो रुड़की में ही था तो बोला कि, मैंने बोला कि यार मैं तो इधर से पास ऑन हो रहा हूं, तुम हाईवे पे ही आ जाओ, तो एकदम ज़िद पकड़ लिया, नहीं नहीं घर आओ घर आओ घर आओ, तो लेकिन मैं घर तो नहीं जा रहा हूं, मैंने कहा भाई घर जाऊंगा तो फिर से और टाइम लग जाएगा और हरिद्वार में जीजा जी के यहाँ भी जाना है, मैंने कहा ऐसा है चल फिर किसी रास्ते में ही जो कैफ़े है वहीं बैठते हैं, एक एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे फिर निकल लेंगे आगे। बस मन था मेरा यार कि सोहित से मिलते हुए निकले, इसलिए मैंने बस उसे कांटेक्ट किया और समहाउ प्लान बन गया और अब एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखो दोस्तों IIT रुड़की, मैंने शिल्पी से पूछा कभी देखी हो जिंदगी में IIT रुड़की? नहीं देखी तो देख लो भाई, बड़ा बड़ा लोग सब यहीं पढ़ता है। वाह वाह, गर्मी लग रही है बताओ अब। A few moments later. तो भाई देखो रुड़की में आए और किससे मुलाकात हुई? सोहित भाई। सोहित भाई हम लोग को एक रेस्टोरेंट में ले गया है, हम लोग पी रहे हैं क्या सोडा शिकंजी, इंजॉय कर रहे हैं। पीछे पड़ गए थे कि घर लेके चलूंगा घर लेके चलूंगा, घर आ जाओ खाना पीना, मैंने कहा नहीं बॉस नहीं, तुमने भाई फ़ोन पे तो बोला था कि नहीं घर आ जाओ घर आ जाओ, तो घर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हरिद्वार में टाइम दिया हुआ था जीजा जी को, तो वहाँ भी जाना था, तो मैंने कहा चलो क्विक यहाँ पे मुलाकात करते हैं, अपना थोड़ा सा आधी घंटे का ब्रेक भी हो जाएगा, थोड़ी हवा भी खा लेंगे, इसी की टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा भाई, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी रात में। हाँ बट यहाँ पर तो थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा सा यहाँ से 50 किलोमीटर पहले से ना जो धूप पड़ रही थी वो उतनी तेज़ धूप लग नहीं रही थी, बस दिख रहा था कि धूप थोड़ा धूप, पहले नहीं बताया बस अचानक से रास्ते में मैंने इसे कॉल किया। तो ठीक है हम लोग अब थोड़ी बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर रोड पे पहुँचते हैं, बताते हैं आगे का क्या प्लान है। भाई सोहित से इतने दिनों बाद मिल करके इतना अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ, पुराने दोस्तों की ना जो एक बात होती है, स्कूल के दोस्तों की जो एक बात होती है ना, वो आप कहीं पे और किसी और के साथ आपको वो अटैचमेंट, वो अपनापन, वो बातें, वो मज़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है कि नहीं मिलेगा। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अपन जा रहे हैं हरिद्वार,
वहाँ पे जीजा जी को इंतज़ार करा रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 45 मिनट तो रुड़की में हमने बिता दिए, तो चलो कोई नहीं, अब बस सीधे जल्दी जल्दी करके हरिद्वार पहुँच रहे हैं, जीजा जी से भी मिलते हैं। वहाँ पे वो लंच के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है। अपन सुबह 5 बजे घर से निकले थे, अभी बज रहा है 1, हरिद्वार भी नहीं पहुँचे हैं। रुकते रुकाते आए हैं, आराम से आए हैं, गाड़ी कभी भी खींची नहीं है, भगाई नहीं है तेज़। तो अपन लोग ये जिया जी के कॉलोनी में तो पहुंच गए हैं। जिया जी से हॉस्पिटल में मुलाकात भी हो गई, उन्होंने बोला कि घर पहुंचो, मैं आ रहा हूं। T3A सर, यही है 235 सर, एंट्री करानी पड़ेगी आपको। जी नहीं, तुम शावर जेल नहीं लगाई हो, हमने तुमको बॉडी लोशन दिया। आज तुम जा रही हो, पहली बार शावर चल रहा हो, जाओ लगा लो। ये करके दिखाओ ना प्राची, ये वाला करके दिखाओ कैसे करते हैं, और इसे क्या कहते हैं मुझे, अरे हुलाहू, फिर से थोड़ी देर तक करो। बिगनर तो ये ये अब की थोड़ा देर तक था। क्यों लाई हो बाहर से? अरे बात नानी कहते फिर उल्टा सीधा लिखा है वो मंच दिखाओ। दीदी तेरी ना दूध लेके आई, मुझे फिर ना राजा गुस्से। वाह वाह, राजा गुस्से करने के जब से रामायण में देखे कि दूध से राम जब शेक होता है तब से जब भी उसके ऊपर दूध का एक हल्दी नहीं, हल्दी से तो पीली पीली हो जाएगी थी। फूल माला, इसको तुम डॉल को माला बनाना चाह रहे हो? तो फ्रेंड्स अभी जीजा जी के पास से निकले, बहुत मस्त हॉस्पिटैलिटी थी उनकी, खाना पीना, दोनों बच्चे तो एक नंबर भाई, एक नंबर एकदम, इतने शैतान, इतने चुलबुले। छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा चुलबुली थी, बहुत ज़्यादा चुलबुली, उससे मैं बहुत पहले मिला था, तब वो बहुत छोटी सी थी, अब वो बड़ी हो गई है और इतनी शरारतें, इतनी बातें, ये वो दुनिया धरती हर तरफ की बातें, हर तरीके की बातें। अभी फ़िलहाल अपन काफ़ी लेट हो गए हैं, अब उनके यहाँ हम लोगों ने एटलीस्ट 3 घंटे बिता दिए। कोई इशू नहीं है जी, अब तो बस अपन पहुँचने वाले हैं ऋषिकेश। इतना टाइम बता रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटा बता रहा है मैप। मैं ट्राई करूँगा कि मैं गूगल मैप को बीट कर दूँ। अभी फ़िलहाल 4:11 हो रहा है। थोड़ा सा सुकून भरा रास्ता आया अभी, अपन अपने होटल से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं बस। यार मुझे एक बार ना रिफ्यूलिंग करानी है, करा ही लूँ क्या, वरना वापस यहाँ तक आना पड़ेगा। आती है शिल्पी भी बैठी है और ये टैंक बैग भी आगे लगा हुआ है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलो मैं आ जाऊँगा अभी, रात तक एक राउंड आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इस रोड पे भी ना कोई पेट्रोल पंप ज़रूर है, मेरे को मतलब पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि इस रोड पे भी है आगे बस स्टैंड के आसपास। दिस इज़ आर होटल रिजॉर्ट, जो कहना है वो कह लो। बाकी अभी रूम पे पहुँचते हैं, फिर करते हैं अभी बाइक की हालत देखो खचाखच, सामान उतारते हैं, फिर आराम से डिटेलिंग देते हैं आप लोगों को। मज़ा आया शिल्पी? हाँ, तुम्हारी भी हालत खचाखच, गर्मी लग रही है। ओके गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर में। हॉट शावर ने किया कमाल, हो गए हम दोनों झट से तैयार। अपने एयरबीएनबी में आकर के हम लोगों ने थोड़ा सा सामान अनपैक किया, उसके बाद नहाए और बस अब रेडी हो गए। तो भैया टाइम हो रहा है 6:30, अंधेरा सा हो गया है, तो अभी फिलहाल आप लोगों को बाहर का ना ड्रोन शॉट दे पाऊंगा मैं, ना गोप्रो से शॉट ले पाऊंगा, बी रोल जो मैं देता हूँ बढ़िया वाले। तो अभी ऐसा करते हैं कि आईफोन निकालते हैं और आईफोन लेकर के निकलते हैं बाहर, लक्ष्मण झूला जाएंगे, मार्केट थोड़ी सी घूमेंगे, डिनर विनर करेंगे बाहर। आज के लिए इतना ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। तो आई डोंट नो मेरे व्लॉग्स कैसे अपलोड होंगे, कोशिश ये करूँगा कि फिर क्वालिटी वाइज ना थोड़ा सा डिग्रेड होगी क्वालिटी, क्योंकि मैं जो नॉर्मल व्लॉग्स डालता हूँ ना वो होते हैं 7 to 8 GB, लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन के डेटा से 7 to 8 GB अपलोड करूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे को, इसीलिए क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड करनी पड़ेगी। लेट सी क्या होता है क्या नहीं होता है, कोशिश करूँगा कि कुछ मेरे को हैक मिल जाए यहाँ का, बट आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। जो भी है इस बात को थोड़ा सा ना स्टाफ के साथ क्लियर करते हैं कि क्या होता है इंटरनेट का कनेक्शन। बाकी आप लोग को ये दिखा दूँ कि दिस इज आर Airbnb, अपन ने लैपटॉप वगैरह सब यहाँ निकाल के रख दिया है। गर्मी हो रही है बाबा, AC चल रहा है यहाँ पे, गर्मी हो रही है। ये अपनी एक बालकनी है जहाँ से बाहर का व्यू मिल रहा है, लेकिन अंधेरा है तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा।
ये दूसरी बालकनी है, सब सुबह दिखाऊंगा भाई लोग, सब सुबह दिखाऊंगा बालकनी वगैरह। ये इधर अपना झक्कास, एक बाथरूम इधर, ये अपना छोटा सा किचन का सेटअप है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। ये अपना ड्राइंग रूम कह सकते हो, या छोटा सा सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है। इधर भी एसी है, इधर भी एक अपना वॉशरूम है प्यारा सा। गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। अभी इंटीरियर देख करके आप लोग को जस्टिस नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन द लोकेशन और जो एमिनिटीज़ ये ऑफर करती है प्रॉपर्टी, माइंड ब्लोइंग। बस अभी फिर शिल्पी भी हो गई तैयार, अपन निकलते हैं आईफोन लेकर के। चप्पल डाल ली हम लोगों ने, क्योंकि सुबह से यार जूते पहने हुए ना हमारे पैर दुख से गए थे, तो हमने सोचा चलो बस चप्पल डाल के घूमेंगे, इंजॉय करेंगे मार्केट को, लक्ष्मण झूले को। शिल्पी का बहुत मैंने लक्ष्मण झूला देखने का, लक्ष्मण झूला दिखाएंगे शिल्पी को, मार्केट घूमेंगे, इंजॉय करेंगे। दिस इज लक्ष्मण झूला गाइज। अभी हम यहाँ थोड़ा ऊपर आए हुए हैं, व्यू इंजॉय कर रहे हैं इधर का। अभी तो हवा चल रही है तेज, पता नहीं मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है। GoPro से तो शूट हो नहीं सकता, इसीलिए आईफोन से शूट कर रहा हूँ। चलते चलते हो गई हालत बहुत खराब, डिनर कर लिया है, अभी अपने होटल रूम वापस आ गए हैं। सीरियसली आई एम डेड टायर्ड। इस व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।